नमस्कार। देखिए, आज हम जो DTH में आने वाले जो SMPS होते हैं, पावर सप्लाई होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनमें जो फॉल्ट आते हैं नए नए, जो हम नए जो टेक्नीशियन है वो रिपेयर नहीं कर पाते और सीधा नया पावर सप्लाई डाल देते हैं, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। और ये कैसे रिपेयर करना है, क्या फॉल्ट आने से क्या चेंज करना है, ये भी मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा मैं अलग अलग भी पावर सप्लाई लिया हूँ। यहाँ पर देखिए, फ्यूज की जगह रजिस्टर यूज़ किया हुआ है और कॉइल की जगह 10D यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पावर सप्लाई चाइना का पावर सप्लाई है और यहाँ पर देख सकते हैं कभी फ्यूज़ उड़ जाता है तो इसमें क्या फॉल्ट आता है। देखिए, यहाँ पर जब कभी हम लाइन देते हैं और यहाँ पर फ्यूज़ है, ये कभी ख़राब हो जाता है, तो ये ख़राब होने की एक वजह होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूज़ है, देखिए ये फ्यूज़ ख़राब होता है कभी कभी। तो ये देखिए, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है डायोड का, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होने के बाद ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। ओके, इसमें से कौन सा भी डायोड ख़राब हो गया तो ये अपना फ्यूज़ है तुरंत उड़ जाता है। और कभी कभी दूसरा भी कारण होता है, ये जो IC है ये भी फ्यूज़ उड़ने का कारण होता है। और तीसरा प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का भी शॉर्ट होता है डायरेक्टली, यहाँ पर कंटिन्यूटी यहाँ पर बचती है तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। ओके, तो ये तीनों में से कभी फ्यूज़ ख़राब होता है तो ये तीनों में से कौन सा ये पार्ट ख़राब हो सकता है। ओके, IC हो या कैपेसिटर हो, ओके, या ब्रिज रेक्टिफायर, ये तीनों फॉल्ट उसके कन्फर्म है जो फ्यूज़ उड़ने का कारण होता है। ओके, यहाँ पर देखिए कॉइल लगा हुआ है लाइन फिल्टर, यहाँ से ये लाइन फिल्टर कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होने के बाद, मतलब फ्यूज़ भी उड़ जाता है, ये लाइन फिल्टर भी ख़राब हो जाता है। मैं इसका मतलब ये भी कभी कभी हमें चेंज करना पड़ता है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो डायोड है, यहाँ पर कभी कभी डायोड चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी बचती है जब मीटर पे हम चेंज करते हैं, तो वो डायोड अच्छे रहे तो नहीं बचेगी, तो ये डायोड चेंज करने का तरीका है। यहाँ पर भी कैपेसिटर पे हम कभी प्रोप लगाते हैं कंटिन्यूटी की, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्रोप चालू हो जाती है, मतलब बचती है यहाँ पर जब कभी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, अभी नया पावर सप्लाई है तो ये पावर सप्लाई में ये भी कहीं नहीं बजेगी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अभी जो कंटिन्यूटी लग रही है। ओके, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर पे अभी हम लगाते हैं, अभी कैपेसिटर नया है, शॉर्ट नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में कुछ हलचल नहीं हो रही है, यहाँ पर जब हम कभी कंटिन्यूटी पे लगाए थे, डायोड पे लगाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कुछ वैल्यू उसकी। तो देखिए, इस तरह से हमें चेक करना होता है जब कभी ये जो पावर सप्लाई है शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो IC लगा हुआ है, ये IC जो कैसे जानेंगे कि ये ख़राब है, तो देखिए यहाँ पर आपस में बिना जो है हमें कंटिन्यूटी पे लगा के चेक करना पड़ता है। यहाँ पर कभी आपस में इसकी कंटिन्यूटी आती है तो ये IC ख़राब हो चुका होता है। ओके, इस तरह से ये हमें आपस में चेक करना होता है कि कहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है, क्या इसकी मिल रही है तो IC ख़राब है, इसको निकाल लेना। ओके, ये IC ख़राब होने के जो चिन्ह होते हैं वो। ओके, तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं। और ये हुआ अपना प्राइमरी सेक्शन, जो ख़राब होने के बाद हम चेंज कर सकते हैं कौन कौन सा पार्ट ख़राब है। ओके, इस तरह से मैंने अभी डिटेल बताया आपको कौन कौन सा पार्ट ख़राब होने का क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्राइमरी होगा, यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी सेक्शन है, यहाँ पर अभी इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी पार्ट में, देखिए यहाँ पर वोल्टेजेस दिए हुए वोल्टेजेस होते हैं, सॉरी लिखा है वहाँ पर 3.3 ग्राउंड,
24 वोल्ट, 12 वोल्ट, ग्राउंड और 5 वोल्ट इस तरह से दिया हुआ है। तो ये कभी कैपेसिटर ख़राब होते हैं तो यहाँ से कौन से वोल्टेज नहीं आते, तो कौन सा वोल्ट ड्रॉप है उस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर भी डायोड लगा हुआ है हर एक वोल्टेज को, एरो कैपेसिटर भी उसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पर ये डायोड जब ख़राब होता है तो ये कभी कभी डीटीएच ऑन नहीं होता या नो सिग्नल भी आता है, या ये शॉर्ट होने के बाद हमारा डीटीएच चालू नहीं होता। ओके, उसमें डिस्प्ले नहीं आएगा ये डायोड शॉर्ट होने के बाद। ओके, देखिए यहाँ पर इसमें से कौन सा भी डायोड शॉर्ट हो जाता है तो डिस्प्ले कभी कभी नहीं बनता या नो सिग्नल भी आ जाता है। ओके, और ये देखिए यहाँ पर ये चेक करने का तरीका कैसा है, कंटिन्यूटी पे लगा देना और यहाँ पर कभी हमारी ये देखिए एक बीप आएगी और बंद हो जाएगा। हम ऐसा उल्टा पुल्टा चेक करेंगे तो एक बार बीप आएंगे और बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगे हुए होते हैं आगे, तो ये चार्ज होते हैं थोड़े और बंद चार्ज ख़त्म होने के बाद बंद हो जाता है। ओके, इस तरह से इसको चेक करना होता है। तो ये हुआ डायोड चेक करने का तरीका, और देख सकते हैं यहाँ पर सब कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, लेकिन इसमें जो एक कैपेसिटर है ये देखिए 1000 UF 10 होल्ड का, ये कैपेसिटर कभी ख़राब हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको वैल्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1000 माइक्रो फैरेड 10 होल्ड का कैपेसिटर है, ये कभी ख़राब हो जाता है तो अपने जो डीटीएच बॉक्स में नो सिग्नल का प्रॉब्लम दिखाई देता है ये ख़राब होने के बाद। ओके, और ज़्यादा भी ख़राब हो जाता है तो ये डीटीएच में डिस्प्ले भी नहीं आता इससे, तो ये कभी भी ऐसा हुआ तो ये कैपेसिटर को चेंज कर देना, या फुला हुआ दिखा इसको तो इसको चेंज कर देना। इस तरह से ये पावर सप्लाई हम रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट का डायोड है, ये भी ख़राब होने के बाद हमें डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा आगे, यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, ये डायोड भी हम इस पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ये 3.3 वोल्टेज यहाँ पर नहीं आता तो ये हमें चेंज करना होता है। ओके, तो जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और शेयर इसीलिए करना कि मैंने जो जानकारी दी है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और जो नए टेक्नीशियन हैं उनके पास ये जो जानकारी है पहुंचनी चाहिए। ये जो देखिए यहाँ पर दोनों जो पावर सप्लाई वो सेम दिख रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा अलग अलग है, और पावर जो है वो सेम है, दोनों पावर सप्लाई डीटीएच को चल सकते हैं। ओके, कौन सा भी पावर सप्लाई किसकी जगह भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है ये पावर सप्लाई देखिए यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा अलग पीसीपी है, दूसरा कुछ नहीं है, बाकी रिपेयर करने का तरीका सेम है दोनों का। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो चलिए, ऐसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, और मिलते हैं ऐसे कुछ नए टॉपिक लेकर, नया वीडियो लेकर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।